नहीं जनाब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का आपको पता लग गया कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है अब मैं अगर आपको बताऊं कि टाइप्स ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आर डायरेक्टली रिलेटेड टू क्राफ्टिंग अ नाइस इफेक्टिव एंड अ वेरी गुड प्रॉम्प्ट विच कैन एक्चुअली हेल्प यू टू गेट द फुल पोटेंशियल ऑफ लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स तो कैसे हैं आइए चलते हैं टाइप्स ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बाय द वे मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अमारतुफेल है एंड आई एम सी यू एंड को फाउंडर ऑफ कोडेनिक्स सो लेट्स सी सबसे पहले जो हमारे पास प्रॉम्प्ट की टाइप है दैट इज जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के अंदर जब हम प्रॉम्प्ट को लिखते हैं जीरो शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग क्या होती है बेसिकली जीरो शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग या प्रॉम्प्ट्स रिक्वायर द मॉडल टू रिस्पॉन्ड टू टास्क रिस्पॉन्ड टू ए टास्क विदाउट एनी प्रोयर एग्जाम्पल्स फॉर एग्जाम्पल ये पूछता है सम वन टू परफॉर्म अ टास्क दे हैव नेवर डन बिफोर रिलायंस सोलली ऑन देयर एक्जिस्टिंग नॉलेज फॉर एग्जांपल एक मैं मिसाल दे देता हूं जीरो शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग की हम अगर जीपीडी थ्री से पूछें व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस एक्सपेक्ट एन एक्यूरेट रिस्पॉन्स बेस्ड ऑन इट्स प्री ट्रेनिंग विदाउट नीडिंग एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल सिटीज ठीक है जीरो शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग क्या होता है एक ऐसी प्रॉम्प्टिंग की टाइप होती है जिसमें आप डायरेक्टली सवाल पूछते हैं एंड मॉडल को अपने नॉलेज की बेस पे जिस पे वो प्री ट्रेन किया गया वहां से जवाब उठा के देना इसको बोलते हैं जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग कौन सी प्रोमटिंग जीरो शॉट। कि मैंने पहला ही प्रॉम्प्ट लिखा और मैंने पूछा कि फ्रांस का कैपिटल क्या है तो ये क्या करेगा सोचेगा कि मैं किस मॉडल पर ट्रेन हुआ किस डेटा पे ट्रेन हुआ अगर उसमें फ्रांस के कैपिटल का नाम है इट विल टेक दैट इन्फॉर्मेशन एंड गिव इट टू यू राइट अवे ठीक है और इसकी एक्यूरेसी और बाकी चीज़ें इसी चीज़ पे डिपेंड करती हैं कि किस डेटा पे ट्रेन हुआ है कीप इन माइंड जीरो शॉट यू डोंट गिव अ चांस टू दिस प्रॉम्प्ट आप एक सवाल पूछते हैं और वहीं से जवाब है इसको बोलते हैं जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग अब मैं दोबारा से आपको बताता हूँ जीरो शॉट प्रॉम्पस रिक्वायर द मॉडल टू रिस्पॉन्ड टू ए टास्क विदाउट एनी प्रॉयर एग्जाम्पल यानी कि आप इसको नहीं बताते मिसाल के तौर पे। आप इसे ये नहीं कहेंगे जैसे पाकिस्तान का कैपिटल जो है जी इस्लामाबाद है जर्मनी का कैपिटल जस्ट सिंह के फॉर एग्जाम्पल ये फ्रैंकफर्ट है या मैं कोई भी ऐसी बात कर देता हूँ कि बर्लिन है मैं कोई भी ऐसी एग्जाम्पल दे देता हूँ कि इटली का मिलान है या रोम है वट एवर आई गिव एन एग्ज़ाम्पल तो ये क्या करेगा मुझे वो एग्ज़ाम्पल्स देख के फिर सोचेगा हाँ मुझे भी ट्रेन किया गया था और फिर फ्रांस का ये कैपिटल हो सकता है so, सो वो हो वो जीरो शार्ट नहीं है ज़ीरो शार्ट वो है कि आप एक ही दफ़ा पूछें विदाउट गिविंग एनी एग्ज़ैम्पल और वो आपको आंसर मिल जाए ठीक है और इसकी एग्जाम्पल मैंने दी कि अगर आप पूछें वट इज़ द कैपिटल ऑफ़ फ़्रांस एंड इट एक्चुअली गिव्स यू आंसर विदाउट एनी एग्ज़ैम्पल्स फिर आता है फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग क्या होती है बेसिकली फ्यू शॉर्ट गिव द मॉडल ए फ्यू एग्जाम्पल्स टू लर्न फ्रॉम बिफोर आस्किंग इट टू कंप्लीट सिमिलर टास्क दिस इज लाइक टीचिंग थ्रू थ्रू अ हैंडफुल ऑफ एग्जाम्पल एंड देन एक्सपेक्टिंग इन दैम टू अप्लाई दैट नॉलेज टू अ न्यू सिचुएशन इसकी मिसाल मैं दे देता हूं अगर मैं आपको बताऊं टू प्लस टू इज इक्वल टू फोर थ्री प्लस टू इज इक्वल टू फाइव फोर प्लस टू इज इक्वल टू सिक्स अब मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट इज एट प्लस टू दिस विल बी कॉल्ड एज फ्यू प्रॉम्प्ट अ फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग फ्यू शॉर्ट का मतलब यह है यू गिव फर्स्ट एग्जांपल्स टू द एलएलएम एंड देन यू आस्क योर क्वेश्चन ठीक है सो so इसका मिसाल वही है कि पहले बच्चों को सिखाओ फिर उससे पूछो मिसाल के तौर पर आप तमहीद बांधते हैं तमहीद क्या होती है टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाते हैं टू लार्ज लैंग्वेज मॉडल और लार्ज लैंग्वेज मॉडल उस टॉपिक की बेस पर फिर एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन लेके आपको देता है क्यों ऐसा करते हैं हम हम इस वजह से करते हैं बिकॉज जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है वो बहुत ज़्यादा billions ऑफ पैरामीटर्स पे ट्रेन है और अगर आप उन्हें एग्जाम्पल देते हैं ना तो जब वो ट्रेनिंग में सोचते हैं ना उनको पता होता है कि फ्लां कोने के अंदर ये कैपिटल्स वाली इन्फॉर्मेशन या सिटीज़ वाली इन्फॉर्मेशन मेरे पास पड़ी हुई है तो डायरेक्टली वहाँ से जाएगा पिक करके आपको डेटा दे देगा सो फ्यू शॉट्स एग्जाम्पल के अंदर आपके पास स्पीड भी ज़्यादा होगी और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन भी आएगी वन शॉर्ट या जीरो शॉट जो होती है हमारे नॉट नॉट वन शॉट वन शॉट जीरो शार्ट प्रॉमटिंग जो होती है इसके अंदर आप कोई भी एग्जाम्पल नहीं देते फ्यू शार्ट्स में आप इग्जाम्पल देते हैं यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा इसकी एग्जाम्पल क्या है जी फॉर एग्ज़ाम्पल यू प्रोवाइड जी पी टी थ्री और जी पी टी फोर मॉडल विद अ लिस्ट ऑफ कंट्री कैपिटल्स पेयर बिफोर आस्किंग वट इज़ द कैपिटल ऑफ जपान हेल्प गाइड टू दिस हेल्प्स टू गाइड द मॉडल टूवर्ड्स द कुरेक्ट आंसर टाइप ठीक है तो इसमें आपके चांसेस भी ज़्यादा होंगे डेटा की करेक्शन के और इस वजह से हम फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग को थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू ज़ीरो शार्ट प्रॉम्प्टिंग ज़ीरो शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग तब यूज़ होती है जब आप किसी एक मॉडल को टेस्ट करने वाले होते हैं ठीक है यूजली तब यूज़ होती है तो हम आगे चलते हैं जनाबे वाला अब तीसरी है हमारे पास चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग क्या होता है चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग इन्वॉल्व्स आस्किंग द मॉडल टू डिटेल इट्स थॉट प्रोसेस लीडिंग टू मोर कम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग इट इनकरेजेस द मॉडल टू थिंक अलाउड मेकिंग इट इजियर टू फॉलो इट्स लॉजिक इसकी मिसाल मैं देता हूँ आपको फॉर अ मैथ प्रॉब्लम इफ यू हैव थ्री एप्पल्स एंड यू बाय फाइव मोर हाउ मैनी डू यू हैव अ चेन ऑफ थाट प्रॉम्प्ट वुड नॉट ओनली आस्क फॉर द आंसर बट ऑल्सो फॉर द कैलकुलेशन स्टेप चेन ऑफ थाट प्रोसेस क्या है आप सीधा ये नहीं पूछेंगे कि वट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस आप कहेंगे वट इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस एंड लेट मी नो हाउ डिड यू डिसाइड ऑन पैरिस और सम अदर सिटीज ठीक है सो so, उसकी वजह क्या है वो आपको बताएगा थॉट प्रोसेस क्योंकि फ्लान का कैपिटल ये है फ्लॉग का कैपिटल ये फ्लान का कैपिटल ये है दैट्स वाई माई चेन ऑफ थाट्स जो मेरे अंदर डेटा फीड किया गया है उसकी बेस पे ये आंसर है ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, या वो खाबी लैम नहीं करता था ये ठीक है सो यू कैन यूज दिस काइंड ऑफ थिंग्स बाय द वे जिन्होंने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज गो हैड और ये जो पार्ट है आज की इस क्रैश कोर्स का ये बेसिकली हमारे छः माह का कोर्स है जो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है और प्लीज़ आप उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं सो चेन ऑफ थाट्स के अंदर आप बायदा पूछते हैं कि हाँ भाई कैसा है कैसे किया ये ठीक है जैसे अक्सर होगा बच्चों से आप टेस्ट लेते हैं कि हाँ भाई तूने सोच लिया अब बता कैसे सोचा यहाँ तक क्लियर हो गया अगर आपको क्लियर है तो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन अब प्रोम्प डिज़ाइन की स्ट्रेटेजी कैसी है बाय द वे यहाँ पे एक छोटी सी असाइनमेंट ये है कि यू हैव टू एनलिस्ट द टाइप्स ऑफ प्रोम्ट प्रोप्स या टाइप्स ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आपने क्या करना है ये तीन मैंने आपको बताई हैं फॉर एग्जाम्पल फ्यू शॉर्ट वन जीरो शॉर्ट फ्यू शॉर्ट एंड चेन ऑफ थाट प्रॉम्प्टिंग आपने इसके अलावा जितनी भी टाइप्स हैं वो आपने राइट डाउन करनी है इन द कॉमेंट सेक्शन आफ्टर दिस लेक्चर ठीक है तो इससे क्या होगा आपको भी पता चलेगा कि कौन कौन सी टाइप्स ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग्स आर तेर या प्रोम्प की टाइप कौन कौन सी है okay. ओके प्रॉम्प्ट को डिज़ाइन करने की स्ट्रेटजी कौन कौन सी है ये हमने देख लिया कि प्रॉम्प्ट की टाइप्स कौन कौन सी हैं अब हम देखेंगे किस अच्छा प्रॉम्प्ट बनाना यानी कि अच्छे प्रॉम्प्ट का मतलब है कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल का फुल पोटेंशियल यूज़ करना यार आपने बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स पे मॉडल ट्रेन कर लिए हैं विच आर फ्रीली अवेलेबल ऑनलाइन आप अब उनका फुल पोटेंशियल ना यूज़ करें फिर इतना पैसा खर्चने का फ़ायदा क्या समझ आई बात की मैं एक मिसाल दे देता हूँ तांडे किसी कज़न का विह है तो चंगा थ्री पीस समाया है एंड देते सिर्फ पेंट से शर्ट पा के ना चले जाओ बन है गल नहीं ना इसकी एक और मिसाल दे देता हूँ आप बहुत अच्छा घर बनाते हैं ठीक है बहुत अच्छा घर बना के और उसमें खुद नहीं रहते उसको किराए पर दे के सामने घर में रह लें तो बात तो नहीं ना बनती चलो एक और मिसाल दे देता हूँ नवी गड्डी लेके टेंकी टापे चेंज करा के उन्हें चलाने लग जाओ तो फिर फ़ायदा नहीं गाड़ी लेने का सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स हैपन वेन यू आर क्राफ्टिंग योर डिजाइनिंग योर प्रॉम्प्ट अब हमने देखना है कि कितनी किस्म के प्रॉम्प्ट डिज़ाइन स्ट्रेटजीज हैं और वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं